हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं बना रही हूँ मटर पनीर की हेल्दी एंड टेस्टी सब्जी। इसके लिए मैंने ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल कम मसालों के साथ हम हेल्दी एंड टेस्टी मटर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं। देखिए, तेल कढ़ाई में गर्म हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा। जीरे के साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक तेज़पत्ता। इसको अच्छे से पका रहे हैं। अब मैंने ऐड किया है बारीक कटे हुए प्याज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोज, न्यू आइडियाज आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन, मिर्च, थोड़ा सा प्याज और मूंगफली का पेस्ट। अदरक भी मैंने इसमें ऐड किया है। इसको हम अच्छी तरीके से पका ले रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए, ये पक रहा है और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। जी हाँ, हल्दी पाउडर से कलर अच्छा आ जाएगा। और मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, वो भी अच्छा कलर देगा। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर और सब्जी मसाला थोड़ा सा, थोड़ी क्वांटिटी, हाफ स्पून। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से पका रहे हैं ले रहे हैं। देखिए, हमारा जो मसाला है इतना पका हुआ है कि वो तेल छोड़ चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी लाल बारीक कटे हुए टमाटर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आप इसका पेस्ट भी बना लेते, लेकिन नहीं, हम इसको कट करके डाल रहे हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। इसमें हमने नमक डाल दिया, जिससे कि टमाटर बहुत जल्दी गल जाएगा। देखिए, हमारे टमाटर गल चुके हैं, पक चुके हैं। अब देखिए, अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन फ्रेश हरी मटर। जी हाँ, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर, जो कि मैंने कट कर ली है छोटे छोटे पीसेस में। इसको हम आराम आराम से धीरे धीरे चलाते हुए थोड़ी देर, 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। अगर फिर से आपको बोल रही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू वीडियोस, न्यू आइडियाज, हेल्दी वीडियोस आप देखिए और अपने घर में बनाइए। देखिए, इस तरीके से हम 4 से 5 मिनट तक इसको पका ले रहे हैं। देखिए, पक चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जी हाँ, जितना आपको पानी चाहिए, जितना आपको सब्जी में रस अच्छा लगता हो उतना आप ऐड कीजिए। मैंने इतना पानी ऐड किया है, तकरीबन 1 बड़ी गिलास। अब इसको हम अच्छी तरीके से ढक करके पका ले रहे हैं। जी हाँ, 3 से 4 मिनट में इसको हम ढक करके पका ले रहे हैं। अब देखिए, हमारी सब्जी अच्छे तरीके से पक चुकी है, उबाल आ रहे हैं इसमें। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हरी धनिया। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट है, और हमारी सब्जी रेडी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।